हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। केंद्रीय बजट 2022 में टैक्स में नहीं दिखा कोई भी खास बदलाव। जी हां, आम आदमी को इस बार बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा, मतलब क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% का टैक्स देना होगा। ITR में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। RBI 2022-23 में लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुष्टि की कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही एक डिजिटल रुपया जारी करेगा। RBI द्वारा डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन और अन्य लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो टोकन के भविष्य पर कोई स्पष्टता प्रदान किए बिना वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल रुपया 2022-23 तक जारी किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, केंद्रीय बजट वेतनभोगी, मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात। जी हां, कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 भारत के वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत का वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग महामारी, चौतरफा वेतन कटौती और महंगाई के दौर से राहत की उम्मीद कर रहा था। FM और PF ने उन्हें फिर से निराश किया है। बजट को लेकर विपक्ष ने की आलोचना तो पीएम मोदी बोले, गरीब के कल्याण पर है जोर। जी हां, पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और बजट पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलान, नौकरी के लिए लॉन्च होगा पोर्टल। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के साथ एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही एक ई पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है, जिससे लोगों को नौकरी देने में बेहतर मौकों की खोज की जा सके। उत्तर प्रदेश ने COVID-19 वैक्सीन की 100% पहली खुराक कवरेज हासिल की। जी हां, उत्तर प्रदेश ने अपनी पूरी योग्य वयस्क आबादी को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक का टीकाकरण करने का मील का पत्थर हासिल किया है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने पुष्टि की कि उत्तर प्रदेश में अनुमानित वयस्क आबादी 14.74 करोड़ है और सोमवार शाम तक पूरे समूह ने कम से कम एक खुराक ले ली है। सरकार की 1 रुपए की कमाई में 35 पैसा है उधार का, इसमें इतना होता है आपका हिस्सा। जी हां, बजट दस्तावेज के अनुसार सरकार 1 रुपए में 20 पैसा ब्याज भुगतान करती है। टैक्स और ड्यूटी के जरिए जहां सरकार की कमाई होती है, वहीं सरकार की इस आमदनी में 15 पैसा आम आदमी के इनकम टैक्स का ही होता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में भी इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।